सीएबी के अंदर में है, यहाँ पर इनसाइड द सीएबी रेन गार्डन्स हियर यू कैन सी द ऑल द ऑफिस बेयरर्स फोटोज इंडियाज कैप्टन्स एंड बंगाल कैप्टन्स हियर एट द एडन गार्डन इनसाइड द एडन गार्डन दिस इज द पवेलियन होम टीम एंड अवे टीम यहाँ से खिलाड़ी अंदर जाते हैं आप देख रहे हैं ये आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए एडन गार्डन्स पूरी तरह तैयार है टेस्ट मैच जो एडन गार्डन्स में हुए हैं ये गेट है यहाँ से खिलाड़ी अंदर आएंगे होम टीम और अवे टीम एडन गार्डन्स के अंदर का ये सीन है ये अवे टीम आप देख लीजिए वन डे इंटरनेशनल जो यहाँ खेले गए हैं एडन गार्डन्स में पूरी तरह तैयार है बंगाल कैप्टन्स हियर वन डे इंटरनेशनल जिन्होंने यहाँ पर सेंचुरी बनाई है श्रीकांत ने पहली सेंचुरी बनाई थी 18 फरवरी 1987 को पाकिस्तान के विरुद्ध उसके बाद डिस्मेंट हैंड सचिन तेंदुलकर ट्रेस कौथिक सलमान बट ग्रैम स्मिथ गौतम गंभीर विराट कोहली उपल थरंगा रियान टेन डॉस हॉलैंड के खिलाड़ी हैं नेदरलैंड्स के जो यहाँ पर उनका गेम है बांग्लादेश के विरुद्ध स्टर्लिंग आयरलैंड के नासिर जमशेद पाकिस्तान के और रोहित शर्मा भारत के तो ये सेंचुरीज हैं अगर देखा जाए तो 134 से नॉट आउट था ग्रैम स्मिथ का बल्कि अगर गौतम गंभीर ने 150 नॉट आउट बनाए थे 24 दिसंबर 2009 को गौतम गंभीर ने श्रीलंका के विरुद्ध वो सबसे बड़ा स्कोर है इस मैदान का वन डे का और आप देख लें ये सब ये जो बंगाल जिसने ये ट्रॉफी जीती थी रणजी ट्रॉफी यहाँ की लोकल ट्रॉफी है ये बंगाल हीरोज विद रणजी ट्रॉफी समरन बनर्जी कप्तान थे आप देखें ये सब बंगाल के कैप्टन्स इसमें पंकज भाई भी होंगे सबसे पहले कैप्टन ये हैं एल होजी निर्मल चटर्जी इनके नाम पर एक टूर्नामेंट चलता है निर्मल चटर्जी के नाम पर 1938-39 में जो बंगाल ने रणजी ट्रॉफी जीती थी ये उसका फोटो है और बंगाल के कप्तान ये सब रणजी ट्रॉफी के पुराने फोटो आप ये चुन्नी गोस्वामी को देख सकते हैं फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे चुन्नी गोस्वामी 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में जो भारत को स्वर्ण पदक मिला था उसमें चुन्नी गोस्वामी के गोल थे गोपाल बोस पीसीएन इनके नाम पर ट्रॉफी है सीएस नायडू भी बंगाल के लिए खेल चुके हैं टीएस लॉन्गफील्ड शूटे बनर्जी तो ये सब बंगाल के कैप्टन्स हैं आप देख लें कमल भट्टाचार्य आपके कमेंटेटर भी थे अंबर रॉय शंबरन बनर्जी और दिलीप जोशी ये आपको एडन गार्डन्स का अंदरूनी हिस्सा दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया ये एडन गार्डन्स बिल्कुल देखा जाए तो तैयारी चल रही है 28 तारीख को यहाँ पर हॉलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच होगा ये सब रिपोर्टर्स आना शुरू हो गए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा आप देख सकते हैं ये अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पर लिए चलते हैं ये सीढ़ी है हम अब तक ग्राउंड फ्लोर पे थे दाएं तरफ होम टीम बाएं तरफ अवे टीम ये गेट है और हम आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ उठ रहे हैं ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो कि बंगाल ने जीती थी एडन गार्डन्स के अंदर हम आ चुके हैं ये वानखेड़े में जो 2011 में जो विश्व कप जीता था भारत ने आप देख लीजिए इंडिया के लिए जो खिलाड़ी खेल चुके हैं भारत के लिए
छोटे बनर्जी, प्रवीर सेन, मोन्टू बनर्जी, पंकज रॉय, सुभोत्र गोहा, अंबर रॉय, दिलीप जोशी, प्रणब रॉय, अरुण लाल, सौरभ गांगुली, देवांग गांधी, सैयद सबा करीम, दीपदास गुप्ता, रिधिमन शाह, मोहम्मद शमी अहमद, मुकेश कुमार। शमी फिलहाल टीम में है बंगाल के, और ये सौरभ गांगुली नेटवर्क ट्रॉफी जो जीता था भारत ने इंग्लैंड को हरा कर 2002 में, ये उनकी जर्सी जो उन्होंने हवा में लहराई थी लॉर्ड्स की बालकोनी पर। इंटरनेशनल अंपायर ये हैं पंकज रॉय, जो उन्होंने ब्लेजर पहना था, पंकज रॉय ने, वो नीचे आप देख रहे हैं पंकज रॉय। वनडे इंटरनेशनल जो खिलाड़ी भारत के लिए खेल चुके हैं बंगाल के थे, गोपाल बोस, दिलीप जोशी, अरुण लाल, सरजिंदर मुखर्जी, सौरभ गांगुली, उत्पल चटर्जी, सैयद सबा करीम, लक्ष्मी रतन शुक्ला, देवांग गांधी, दीपदास गुप्ता, रोहन गावस्कर, मनोज तिवारी, अशोक जिंदा, रिधिमन शाह, मोहम्मद शमी, शहबाज अहमद और मुकेश कुमार। अभी फिलहाल टीम में सिर्फ शमी अहमद हैं। ये रिलायंस वर्ल्ड कप जो कि 1987 में हुआ था इसी मैदान पर, एडन गार्डन्स पर, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। एलन बॉर्डर को आप देख सकते हैं और डेविड बूम। और ये जो भारत ने विश्व कप जीता था 1983 में, एक बार हम आपको नीचे का सीन दिखाते हैं एडन गार्डन्स का, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है एडन गार्डन्स। अब हम आपको लिए चलते हैं ये ऑफिस, और अब हम ऊपर चलते हैं एडन गार्डन्स। हम आपको और ऊपर लिए चलते हैं, खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है ये एडन गार्डन्स। ये पवेलियन है, आप देख लीजिए, चिदात्तर शंकर राय, ये सौरभ गांगुली। इसी एडन गार्डन्स पर फुटबॉल का मैच हुआ था, पेले आए थे, और दाएं तरफ देख रहे हैं अर्जेंटीना की टीम, हसीना वाजिद यहाँ पर, शेख हसीना वाजिद, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, बीच में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और 28 तारीख को भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच अभी, बल्कि कहा जाए तो यहाँ पे भारत और इंग्लैंड के कई मैच हुए हैं, जगमोहन डालमिया हैं। दो दिन बाद मैच होगा बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच, ये VVIP कॉन्फ्रेंस रूम है, डाइनिंग रूम है। आप देख लीजिए झूलन गोस्वामी का, ये बंगाल की हैं झूलन गोस्वामी, ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स भारत की ओर से, देखिए सौरभ गांगुली को पाकिस्तान के विरुद्ध वनडे इंटरनेशनल गद्दाफी स्टेडियम में खेला किया था 2004 में, भारत ने 3-2 से सीरीज जीती थी। एक इतिहास यहाँ पर रचा हुआ है, ये टेस्ट क्रिकेटर जो बंगाल से भारत के लिए खेल चुके हैं, ये हैं सबा करीम, रिधिमन शाह, आइए मोहम्मद शमी, सौरभ गांगुली। बहुत ही ये VIP डाइनिंग रूम है, ये CAB के सेक्रेटरी एडन गार्डन्स में, अभी सेनाचिज गांगुली आइए हैं, ओझा जगमोहन डालमिया के पुत्र, दाएं तरफ अभिषेक डालमिया, और ये हैं सौरभ गांगुली।
प्रेसिडेंट रह चुके थे, जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुलाया था यहाँ पे, जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भारत ने वो मैच जीता था, शाहिद अफरीदी कप्तान थे पाकिस्तान के, इमरान खान आए थे, अमिताभ बच्चन ने कौमी तराना भारत का वहाँ पर अपनी आवाज़ में सुनाया था। तो ये है आपके एडन गार्डन्स का ये अंदरूनी जो पवेलियन है, जो मेन जो रूम है वो झालर लगे हुए हैं यहाँ पर। ये सब जो आप देख रहे हैं ये जो सीढ़ी गई है ये सब बॉक्स हैं, VIP बॉक्स। अब हम आपको मैदान के अंदर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले और भी देखते हैं कुछ यहाँ पर नॉस्टैल्जी। आप देख लीजिए, ए पीस ऑफ हेवन इन अर्थ, ये एडन गार्डन्स, ए पीस ऑफ हेवन इन अर्थ। और दूर आप देख सकते हैं महाराज सौरभ गांगुली, ये लिफ्ट है, एकमात्र लिफ्ट है जो सेकंड फ्लोर तक आती है, सौरभ गांगुली। ये सब बॉक्स हैं, VIP बॉक्स। ये एडन गार्डन्स है, ये सब बॉक्स हैं, VIP बॉक्स। देखें आप देख सकते हैं यहाँ से VIP बॉक्स, TV मॉनिटर लगा हुआ है, दरवाज़ा बंद किया मैंने, ये सब VIP बॉक्स हैं। ये स्टार कमेंट्री रूम है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, पीस ऑफ हेवन इन दी अर्थ, एडन गार्डन्स। बहुत खूबसूरत ये लाइट्स लगी हुई हैं, झालर लगे हुए हैं, अभी भी काम चल रहा है। 28 को यहाँ पर मैच है बांग्लादेश और नीदरलैंड्स का। आप देख सकते हैं सौरभ गांगुली को, ये जो आपको पहले दिखाया VVIP कॉन्फ्रेंस और डाइनिंग रूम, यहाँ भी कई पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। तो एडन गार्डन्स पूरी तरह तैयार है इस मुकाबले के लिए, 5 मैच होंगे यहाँ पर, पहला मैच नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के बीच 28 तारीख को। तो ये हो गया एडन गार्डन्स पूरी तरह तैयार, अब हम आपको पिच के ऊपर ले चलेंगे जहाँ पर टीम प्रैक्टिस करेगी बांग्लादेश के लिए, और हम ब्रेक लेते हैं।